ऋतु, ये आज हम सीखेंगे अड़ंगा। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है ये, 52 कार्ड्स का डेक है। अभी ना ये 3 4 5 कितने भी प्लेयर्स खेल सकते हैं। सिंपली डीलर, इसमें डीलर कोई भी हो सकता है। एक्चुअली इसमें सीधे कार्ड उठाने ही, हमने जैसे 3 प्लेयर्स खेल रहे हैं तो कोई भी इसको ऐसे बीच में 3 पाइल्स में डिवाइड करके रख देगा डेक को, और जैसे ही बोलेंगे 1 2 3 तो एकदम तीनों प्लेयर्स को अपनी अपनी चॉइस की पाइल उठा लेनी है। अब हम इन पाइल को सूट के हिसाब से जमा लेंगे। अभी मैं ओपन रखूंगी आपको सिखाने के लिए, वैसे आपको छुपा के रखनी है के अंदर। जैसे आप देख सकते हो, क्योंकि सबने अपनी मर्जी से पाइल उठाई थी, तो इस वाले कार्ड के पास ज्यादा प्लेयर 1 2 3 प्लेयर 1 के पास ज्यादा कार्ड आ गए। वैसे इसमें डीलर कोई भी हो सकता है। आप चाहे तो इक्वल कार्ड बांट लिए या ऐसे छीना झपटी करके बांटिए, दैट्स योर वे ऑफ हैविंग फन। इसके अंदर पहली चाल चलता है जिसके पास हुक्म का इक्का है। इसके पास आया हुक्म का इक्का, तो चाल इसको स्टार्ट करनी पड़ेगी। गेम इसने स्टार्ट किया, गेम का नाम है अड़ंगा। अभी हुक्म के इस पे स्टार्ट हुआ, इसने डाला काला पान, तो हमको कोशिश ये करनी चाहिए, क्योंकि हुक्म के से तो स्टार्ट होती है, इसलिए हमने बड़ा पत्ता डाला। लेकिन हमको डालना सबसे छोटा पत्ता चाहिए, क्योंकि हमको सर नहीं चाहिए। मतलब हमको जिसका सबसे बड़ा पत्ता होता है, नेक्स्ट चांस उसकी आती है, और फिर उसमें नुकसान होता है कि आपको पेनल्टी मिल जाएगी। अब इसके पास सबसे छोटा काला पान ये है, इसने ये डाल दिया। इसके पास ये है ये, अब ये इक्का इसका था, तो अगेन इसकी चांस है। ये पत्ते आप चाहे तो बीच में पड़े रहने दीजिए, चाहे बाहर कर दीजिए, इनकी कोई वैल्यू नहीं। अब इसकी चांस है फिर से, तो ये डालेगा, इसने डाला ये गुलाम। अब इसको छोटा पत्ता डालने की कोशिश हमको ये करनी कि हमारी सर ना बने, ताकि हमारी चांस ना आए। जैसे इसकी मजबूरी, अब इसके पास ये सबसे छोटा पत्ता ही काले पान की छक्की है, तो इसको वही डालना पड़ेगा। अब हाथ इसका बन गया, तो अब इसकी टर्न है। अगेन ये कार्ड बाहर चले जाएंगे। अब इसने डाला ईट की दुक्की, अब इसकी प्लेयर 3 की चांस है। इसके पास अभी ईट है, तो ये ईट ये चलेगा। इसके पास ईट है, इसने ये चली। अगेन ये प्लेयर 2 की है, ये कार्ड बाहर चले गए। चांस प्लेयर 2 की, क्योंकि 10 सबसे बड़ी है। उसने चली लाल पान की दुक्की, प्लेयर 1 की चांस आई। इसने, इसके पास सबसे छोटा लाल पान है तिक्की, तो उसने तिक्की चला। इसके पास सबसे छोटा है, आपकी चॉइस है, आप चाहो तो बड़ी डाल के बना लो, लेकिन हमको कोशिश ये करनी थी इस गेम में कि चांस ना आए, क्योंकि फिर अड़ंगा डालने की चांस होती है। अभी सबसे बड़ा इसका है, तो इसकी चांस आ गई। कार्ड गए बाहर, इसकी चांस, इसने डाली पंजी। अब इसके पास एक ही ईट है, इसने डाली ये, इसने डाली ईट की चौकी, बनी इसकी प्लेयर 2 की। अब ये डालेगा, अब ये सकती है, इसकी बनी प्लेयर 2 की। अब डालेगा अड़ंगा, इसने डाली ईट की छक्की। इस प्लेयर के पास ईट नहीं है, तो अब ये इसको अड़ंगा दे सकते हैं। अभी कार्ड्स दिख रहे हैं, वैसे हम कार्ड छुपा के अड़ंगा देते हैं। जैसे आप प्लेयर 2 के पास, इस गेम का मोटिव ये है कि जिसके सबसे पहले कार्ड खत्म होते हैं वो जीतता है। अब प्लेयर 2 के, प्लेयर 3 के पास चांस है कि वो 2 को अड़ंगा दे दे। उसके पास सबसे ज्यादा कार्ड है, उसके पास एक्चुअली तीनों ही तीन तीन है, लेकिन सबसे ज्यादा बड़े कार्ड ईट के, तो ईट का अड़ंगा दे देंगे। ये तीनों, सॉरी चीड़ी का, ये तीनों चीड़ी के कार्ड वो उसको यूं करके लेगा और इसको बोलेगा ले अड़ंगा, और ये सारे कार्ड इसके पास आ जाएंगे। अभी मैं खोल रही हूँ, वैसे छुपा के अड़ंगा दिया जाता है। अब ये इसके 3 कार्ड कम हो गए, क्योंकि इसके पास ईट नहीं था, तो इसने इसको अड़ंगा दिया। क्योंकि अड़ंगा इसने दिया, फिर से इसकी चांस आई। अब ये कार्ड बाहर चला गया, नई चाल खेलेंगे। इसने डाला चौकी, अभी इसके पास है लाल पान, और इसके पास भी लाल पान है। इसकी चांस इस फर्स्ट वाले की आ गई, फर्स्ट वाले। अब ये ईट, इसके पास अभी ईट है। अब अगेन प्लेयर 3 के पास ईट नहीं है, तो वो फिर अड़ंगा देगा। अब की बार किसको अड़ंगा देगा? अब अड़ंगा इस वाले प्लेयर ने ईट डाली है, दोनों, तो इसने ये लाल काले पान का अड़ंगा देगा, क्योंकि शक्ति इसने डाली थी और इसने बेगम बड़ी है, तो फिर से अड़ंगा प्लेयर 2 को मिलेगा और उसके कार्ड्स बढ़ते जा रहे। इसने अड़ंगा दिया था, ये कार्ड्स बाहर चले जाएंगे, नई चाल खेलेगा। अगेन उसने लाल पान डाला, इसके पास लाल पान है, इसके पास भी लाल पान है, इसीलिए इसको ये सबसे बड़ा लाल पान किसका था? इसका था। प्लेयर 2 की चांस आ गई। अब इसने डाला ये, इसके पास ईट नहीं है, तो ये अड़ंगा देगा। इसके पास सबसे ज्यादा कार्ड्स हैं चीड़ी के, ये अपनी सारी चीड़ियां छुप ऐसे करके बंद करके प्लेयर 1 को दे देगा और बोलेगा ले अड़ंगा। अब इसने अड़ंगा दिया, फिर से इसकी चांस आ गई। अब ये कार्ड बाहर, नई चाल, इसने चली
जैसे ये लाल पान चलेगा, इसके पास एक लाल पान है और इसने इसको लाल पान दिया, ये वाला प्लेयर जीत गया है क्योंकि इसकी बेगम से छोटी और डेफिनेटली इसको अड़ंगा नहीं मिल सकता। इसने चला बादशाह और इसी के साथ इसकी ये इसकी पेयर हो गई, अब इसकी चांस आ गई और ये प्लेयर जीत गया। अब इन दोनों में गेम चलेगा, जिसके कार्ड खत्म हो जाएंगे वो जीत जाएंगे। लोगों को आ गया होगा ये गेम अड़ंगा। इसी टाइप का एक और गेम होता है जिससे मिलता जुलता होता है, जिसका नाम होता है झब्बू। आप अड़ंगा सीख लीजिए, फिर झब्बू सीखेगा। दोनों ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं और दोनों ही मजेदार होते हैं। गुड बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।